हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासी में स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उनकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, हमें अपने इस 12th क्लास में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं वो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं जो हमें पढ़ना है उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में और थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, टेलीस्कोप के बारे में। तो जो टेलीस्कोप होगा वो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, दो टाइप के टेलीस्कोप पढ़ेंगे। एक हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दूसरा हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये हम पढ़ेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप, उसमें हम क्या करेंगे, दो केसेस पढ़ेंगे। एक हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे कहाँ पर, एट लिफ्ट डिस्टेंस के ऊपर, और एक बार इमेज बनाएंगे एट इन्फिनिटी पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो ही केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे इमेज बनाएंगे लिफ्ट डिस्टेंस, उसको मैं लिख रहा हूँ डी से, दूसरा हम इमेज बनाएंगे इन्फिनिटी पर। ओके, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम दो ही केस डिस्कस करेंगे कि एक इमेज बनेगी लिफ्ट डिस्टेंस पर और एक बनेगी इमेज इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होंगे ये अपने पास होंगे दो। एक अपने पास रहेगा न्यूटोनियन, दूसरा अपने पास रहेगा सीजी ग्रेन। ठीक है, हमें सिर्फ इनकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है और कंस्ट्रक्शन पढ़ने के साथ साथ हमें इनके पढ़ने होंगे एडवांटेज। तो देखिए स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें टॉपिक पढ़ने हैं कुल मिला के 9। ठीक है, अच्छा, इन टॉपिक में इमेज कहाँ बनेगी, लिफ्ट डिस्टेंस पे बनाएंगे और इन्फिनिटी पे बनाएंगे। अब इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें इन सभी केस में फाइंड आउट करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर, या फिर जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं मान लो कि अपने पास क्या है आई। ठीक है, और आई के ऊपर ये अपने पास एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन क्या होती है, जहाँ पर क्या होती है, इमेज बनती है, और इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, जहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है, और मैंने बनाया कि भाई ये अपने पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ये रे गई और ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है थीटा एंगल, ये भी एंगल उतना बनेगा थीटा एंगल। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा, इस ऑब्जेक्ट का साइज यदि कम होगा तो थीटा एंगल भी क्या बनेगा, कम बनेगा। जब थीटा एंगल कम बनेगा तो यहाँ पर जो इमेज का जो साइज है या रेटिना पे जो बनेगा वो भी साइज क्या बनेगा, कम बनेगा। यदि इस ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा हो तो एंगल ज़्यादा बनेगा, तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो भी क्या बनेगी, ज़्यादा ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो इमेज डिपेंड करेगी इस एंगल के ऊपर, डिपेंड करेगी इस एंगल के ऊपर, और इस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल।
क्या बोलते हैं इसको हम विजुअल एंगल। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं नेकेड आई से, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है, छोटा बनता है। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट हमें स्मॉल साइज का दिखेगा। हम चाहते ये हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या दिखे, मैग्नीफाइंग दिखे, बड़े साइज का दिखे। तो मैंने बताया कि बड़ा साइज कब दिखेगा, जब ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो इस एंगल को बड़ा हम कैसे करेंगे, तो इस एंगल को हम इंक्रीज करेंगे किससे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे और इस एंगल को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगा एंगल। ठीक है, इंक्रीज कैसा होगा, क्योंकि जब हम इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इमेज बनेगी, और ये क्या होगी, उसकी इमेज बन जाएगी, इमेज। ठीक है, तो इस इमेज वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल अब क्या बनेगा, पहले की बजाय ज़्यादा बनेगा, पहले की बजाय क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो सीधी सी बात है, हमें क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बड़ी दिखेगी। ठीक है, ठीक है, अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने कितना टाइम्स ये एंगल बड़ा बना दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, कितना टाइम्स एंगल ज़्यादा हो जाएगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आई से देखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखा, तो ऑब्जेक्ट को हमने देखा आई से, तो उसने एंगल बनाया अल्फा। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को हमने ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के देखा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के देखा, तो उसी ऑब्जेक्ट का एंगल बन गया क्या, बीटा। क्या हो गया, बीटा। तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एम का अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब ये बीटा एंगल बनेगा और ये अल्फा एंगल बनेगा, तो साथ में हम क्या करेंगे, उन दोनों एंगल्स किसने बनाए हैं और किस किस पोजीशन से बनाए हैं, वो एंगल भी हम क्या करेंगे, वो पोजीशन भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पोजीशन देखिए स्टूडेंट, पोजीशन हम कैसे ध्यान रखेंगे, कि जब भी हम एंगल का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर देखेंगे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं और जो इमेज है उनकी पोजीशन एक जगह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक जगह। अब देखिए, मान लो अपने पास ये क्या है, आई है, जहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट था भाई, इस ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया इस आई के ऊपर, ये अल्फा। ठीक है, बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से, है ना, तो इसकी क्या होगी, इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और वो इमेज बनेगी कहीं यहाँ जाके, हमने मान लिया यहाँ जाके क्या होगी, इमेज बन गई। तो ये तो अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट, ये अपने पास क्या होगी, इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम, लेकिन बीच में क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट आ गए, उन इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी, तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखने वाला है। तो हम देखते हैं कि इमेज ने भी क्या किया है, अल्फा एंगल ही बनाया है। ठीक है, तो हमारी आई के ऊपर इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसका मतलब दोनों की जो, दोनों का जो साइज होगा रेटना के ऊपर क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। तो उस एक्चुअल से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक जगह शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक जगह शिफ्ट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। भाई मान लो हमने क्या की, इमेज बनाई लिफ्ट डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इस इमेज को हम यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते। यदि इस इमेज को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो हमें इमेज अच्छी नहीं दिखने वाली। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया होगा आई के ऊपर, जब वो लिफ्ट डिस्टेंस पर है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, और ये जो इमेज जो जा रही थी, इसने जो एंगल बनाया होगा उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा। क्या लिखेंगे, बीटा। तो इमेज ने एंगल बनाया आई के ऊपर, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया आई के ऊपर,
उन दोनों एंगल का रेशियो, ठीक है, क्या कहलाएगा? मैग्नीफाइंग पावर कहलाएगा। लेकिन साथ में बताना पड़ेगा कि इन ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्या है। तो हम क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट भी लिफ्ट डिस्टेंस पर है और इमेज भी कहाँ है, लिफ्ट डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बीटा बाई अल्फा लिखेंगे, है ना। तो ये क्या है, एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट इमेज, एंगल सबटेंड्स बाई इमेज एट आई, और ये अल्फा क्या होगा, एंगल सबटेंड्स बाई ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लिफ्ट डिस्टेंस, ठीक, ये अपने पास रहेगा। साथ में हम क्या करेंगे, ये जो एंगल बनेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे। तो जो अल्फा एंगल स्मॉल होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे टेन अल्फा से, बीटा भी स्मॉल होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे टेन बीटा से। तो एक्चुअल में जो हम लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो लिखेंगे टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, ठीक स्टूडेंट। तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखकर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों केस, कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इससे इमेज कैसे बनती है, ठीक है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी जब इमेज बनेगी लिफ्ट डिस्टेंस पर और जब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। उसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते चले जाएंगे बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे रहेंगे वो। थैंक यू वेरी मच।